अरविंद केजरीवाल वंदे मातरम भारत माता की। देखिए आज पूरे देश में 25 राज्यों के अंदर और विदेशों में भी जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी के शुभचिंतक हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक हैं, सभी लोग मिलकर आज एक दिन का उपवास रख रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी के तानाशाह लोगों को सद्बुद्धि दे और अरविंद केजरीवाल जी जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और देश की सेवा जैसे पहले कर रहे थे उससे ज्यादा गति से, उससे ज्यादा ताकत से देश की सेवा में दोबारा से लग सके। इसके लिए आज एक दिन का उपवास यहाँ पर किया जा रहा है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार से जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है लगातार मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो क्या लगता है आगे की क्या रणनीति, कुछ ऐसा मैसेज भी आएगा कि आगे क्या रह सकता है? देखिए बिल्कुल लगातार अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क स्थापित हो रहा है और वो अपना संदेश पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, एमएलए के लिए और दिल्ली सरकार में उनके सहयोगी मंत्रियों के लिए लगातार भेज रहे हैं, जिससे बाहर दिल्ली में सरकार लोगों की सेवा लगातार कर रही है ताकि कोई भी उनके काम में कोई कमी ना आए। वो तो हम जारी रखेंगे, वो संघर्ष तो जारी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को डाल देंगे और उसके बाद वो चुनाव जीत लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी भी हम दूर करेंगे। इस बार शेर पिंजरे के अंदर हो तो कोई भी उसके दर्शन कर सकता है, लेकिन जब पिंजरे से बाहर शेर खड़ा हो तो मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं, खुले मैदान में अरविंद केजरीवाल नाम के शेर का सामना करके दिखाइए। चुनाव में खुले मैदान में उनका सामना करिए तो आपको पता चल जाएगा कि 56 इंच की छाती है या नहीं आपकी। इस बार अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों में इन्होंने जरूर डाल दिया, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है तो हजारों हजार अरविंद केजरीवाल जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार इनको चुनाव के अंदर हरियाणा से 10-0 से हरा करके भेजेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए हारेगा। मनीष सिसोदिया का लगातार मैसेज आ रहा है कि जल्द मिलेंगे, क्या लगता है जल्द भारत? देखिए बिल्कुल, कब तक जेल की सलाखों के पीछे रखेंगे बिना कसूर? 6 महीने संजय सिंह जी को जेल की सलाखों के पीछे इन्होंने रखा, अब उनकी जमानत हो गई, कोई सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर पाए, उन 6 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया जी की भी क्या गलती है कि दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा दिए इसलिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, कोई सबूत आज तक ईडी पेश नहीं कर पाई। 450 से ज्यादा गवाही हुई है, 250 से ज्यादा छापे मार चुके, 1 चवन्नी हमारे किसी नेता के यहां से बरामद नहीं हुई। इसका बदला लेगी जनता। जिस तरीके से तानाशाही तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया इन्होंने, उसका बदला देश की जनता लेगी। हरियाणा के लोग इस बात का बदला लेंगे कि हरियाणा के बेटे को, हरियाणा की माटी में पैदा हुए एक शख्स को जो बहुत तेजी से राजनीति में तरक्की कर रहा था, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल के खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। हरियाणा के लोग इसका करारा जवाब देंगे इस बार लोकसभा चुनाव में। कैथल में आपने रैली की परमिशन मांगी थी कार्यक्रमों की, तो वहां पर जो है बत्ती गालियां लिखी गई थी, क्या कहेंगे उसमें? 5 सस्पेंड भी किए गए। ये भी तानाशाही का एक इशारा है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर रखा है। हमने तो स्पष्ट तौर पर पूछा था कि क्या चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ के उस दफ्तर को चला रहे हैं? ये सवाल आज देश की जनता के सामने है, वरना कोई परमिशन मांगे और चुनाव आचार संहिता लगी हो तो ये माना जाता है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके सबका काम करेगा। उस परमिशन में गालियां लिख के कोई जवाब दे, इतनी घृणा, इतनी ज्यादा घृणा आम आदमी पार्टी से इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी करेगी, इसलिए ये हमसे घबराए रहते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी से घबराए रहते हैं। और चुनाव आयोग की कार्रवाई भी जो है वो खाना पूर्ति ही है। आप देखिए पहले 5 निचले कर्मचारियों को सस्पेंड किया, जब बात नहीं बनी तो उप चुनाव अधिकारी को सस्पेंड किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उप चुनाव अधिकारी को किसी आप गलती में सस्पेंड करेंगे और चुनाव अधिकारी को नहीं करेंगे? हैक का भी मैं जवाब दूंगा, पर एक सामान्य प्रश्न आप समझिए, उप चुनाव अधिकारी की गलती मान ली कि इसमें उपचुनाव और चुनाव अधिकारी कोई गलती नहीं? चुनाव अधिकारी जो पहले से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है? बीजेपी के विधायक उनको कहते हैं कि नहीं ये कार्रवाई रोक दो, वो रोक देते हैं लोगों के बीच में मैसेज देने के लिए कि बीजेपी की अभी भी चल रही है। तो ऐसे चुनाव अधिकारी के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। हमारी मांग है कि उनको भी तुरंत प्रभाव से यहां से हटाया जाना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाना चाहिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो गई, मैं पूछता हूं कि इसी वेबसाइट पे तो रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पे आते हैं। कल को आप कहोगे कि रिजल्ट हैक हो गए, फिर आप तो दावा करते हो कि ईवीएम हमारी हैक हो ही नहीं सकती। जब वेबसाइट हैक हो सकती है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती? इसका मतलब
चुनाव आयोग भी किसी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं ये सारे काम हो रहे हैं। हम इन सारी चीजों को, इन साजिशों को अच्छे से समझते हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हरा के भेजेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर ले तो नवीन जिंदल यहाँ चल रहे हैं मैदान में, बार बार आप लोगों ने आरोप लगाए। नहीं, हमने नहीं आरोप लगाए, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के 2014 में कुरुक्षेत्र में ही आके ये कह के गए थे देश का सबसे बड़ा लुटेरा है ये, बोले कोयला चोर है ये। आज उसी कोयले चोर को अपनी वॉशिंग मशीन में धोके साफ चिट्टा करके उसको ले आए हैं कि इसको हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो ऐसे जनता स्वीकार कर लेगी कि आप किसी को भी थोक देंगे हमारे ऊपर, हम उसको स्वीकार कर लेंगे? जनता इस बार जवाब देगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, आज के दिन में इसका नाम हो गया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देश में जितने भ्रष्टाचारी थे इन्होंने सारे अपने पास जमा कर लिए, हमारा काम आसान कर दिया है। इनका सुपड़ा साफ करके जनता इस बार सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ लात मार के भगा देगी और उसके बाद लोकतंत्र वापस से वैसे ही स्थापित होगा जैसे आजादी के बाद से लगातार चला रहा है।